जी, रवि मेरा फैमिली फ्रेंड है। इसका मतलब रहीम जो कह रहा था सही है, मगर अच्छा मौका है, कह दे दिल की बात। ए, अर्चना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो क्या? वो हाय 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 राम, हाय अर्जुन। 100 ईयर्स जी होगे रवि। अभी राम तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मुझे पूछेगा ये मुझे पता था। कैसे पता? जो मुझे मिलता है बार बार मिलने की इच्छा रखता है। सही है ना राम? आओ। इट्स ओके, एक्चुअली लवर्स जो यहाँ एकांत के लिए आते हैं, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया है, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आई थिंक मुझे जाना चाहिए, बाय। रवि, बुलाए क्या? तुम बेवजह हमारे बारे में कुछ भी सोच रहे हो, राम के बारे में बहुत जानना होगा। वैसे तो राम मुझे बहुत पसंद है, एंड यू नो ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। एक लड़की से मुलाकात होने के 10 मिनट बाद आई लव यू बोलने वाले तो बहुत लड़के हैं, लेकिन राम जैसे जेंटलमैन बहुत रेयर है। राम लव्स मी लवर्स में विश्वास नहीं करता, वो सब एक ट्रैश ही कहता है, और राम की यही क्वालिटी मुझे बेहद पसंद है, इसीलिए तो राम मुझे बहुत पसंद है। रवि, राम के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो पता है? क्योंकि दोबारा राम के बारे में ऐसा नहीं सोचना। राम के बारे में इतना अच्छे से बताने के बाद मैं क्या, राम खुद नहीं पूछेगा। क्यों राम? तुम लोग बातें करो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। 2 आइसक्रीम फॉर माय बेस्ट फ्रेंड। यू चीट, मेरी मदद करेगा कहकर मुझे धोखा दे रहा है। कूल मैन, कूल। अभी अभी मेरी अर्चना मुझसे कह रही थी कि तुम्हें लव और लवर से बहुत ज्यादा नफरत है, अपना लॉक तुमने खुद लगाया। थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब तुम कभी अर्चना को आई लव यू नहीं कह सकते। क्या इतनी जल्दी क्लोज हो गए? कब का? जो कहने आया था वो तो भूल ही गया। आज मेरे फादर मदर का मैरिज डे है, तुम्हें जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा। बाय अर्जुन, बाय राम। सुनो, तुम कुछ कहने वाले थे, क्या बात थी? कुछ नहीं, फैशन डिजाइनिंग के बारे में। उसके लिए यहाँ